तो हम हो गए हैं तैयार, और तैयार तो हम सुबह से ही थे, तो अभी हो गई है शाम। और आज दिन में हम कहीं गए नहीं, तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं बहुत ही एक प्यारी जगह में, चंडीगढ़ की। जो अगर चंडीगढ़ आप आ रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। एक चीज़ का वादा रहता है मेरा कि आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ें डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको कैमरा रोटेट करता हूँ फिलहाल, और दिखाता हूँ हम कहाँ पे आए हैं। तो गाइस हम लोग आए हैं एक प्यारी सी लेक दिखाने, जिसको कहते हैं सुखना लेक। ये कहते हैं कि अगर आप चंडीगढ़ आए हैं और आपने सुखना लेक नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। तो मैं आपको दिखाने लाया हूँ सुखना लेक। तो चल रहा है, तो अभी लोग पहचानने लगे हैं। तो ये है ब्यूटीफुल सुखना लेक, और ये देखिए यहाँ से आप मेन रोड से एंट्री करेंगे, अटैच्ड ही है। और ये पूरा एक सिस्टम है यहाँ पे, और इतना प्यारा है ये। तो अभी वोटिंग भी करेंगे फिलहाल। और यहाँ से ये पूरा रोटेशन ये वहाँ तक लास्ट तक जाता है, जो कि शाम को भर जाएगा, और लाइटिंग बड़ी प्यारी होती है। तो अब हम आपको फर्स्ट व्यू दिखाते हैं लेक का। देखिए ये है फर्स्ट व्यू लेक का, और यहाँ से बोटिंग की शुरुआत होती है। और यू कैन अंडरस्टैंड, तो ये पूरा जो पाथवे है ये यहाँ से लेके वहाँ तक जाता है, और ये पूरी लेक जो है ये इतनी बड़ी है यहाँ से। ये तो हुआ एक फर्स्ट व्यू लेक का, यहाँ भी चलेंगे फिलहाल, और चीज़ें देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो यू हैव टू टेक, तो अगर आप अकेले हैं तो 400 रुपया देंगे आपको, 350 रुपये का टिकट मिलता है पर पर्सन फॉर 30 मिनट। गाइज मेरे पीछे क्रूज़ आ चुका है, ये क्रूज़ है और इसकी राइड हमने ली है। तो ये आधे घंटे तक हमें लेक के अंदर लेके जाएगा, और ब्यूटीफुल सनसेट मैं आपको दिखाऊंगा। सो बाय चांस ये टाइम से हमारा आना हुआ, तो चलिए अब आपको लेक के अंदर लेके चलते हैं, बने रहिए। तो ये आ गई है हमारी क्रूज, और ये है डोनेट, और ये हम लोग यहाँ से इसका एंट्री करेंगे। सो विल टेक दिस सीट, इट्स अ फैंटास्टिक वन।
लोग आ चुके हैं क्रूज के अंदर, और ये ऐसे होता है अप्रॉक्सीमेटली 20-25 लोग इसके अंदर बैठते हैं। तो एक बार में शाम को 3 बजे चलता है, 5 बजे चलता है, शेड्यूल में आपको टाइम शेयर कर देंगे और लेके जाएंगे आपको पूरा, और जहाँ जहाँ लेके जाएंगे बने रहिए, आपको दिखाएंगे। और अगर चंडीगढ़ आ रहे हैं तो करना बनता है, राइट। हाँ जी, तो हमारी ब्यूटीफुल सी एक क्रूज राइड जर्नी शुरू हो चुकी है, और जैसे मैंने आपको बताया था बोट बहुत जल्दी क्रूज फिल हो जाता है, तो शाम को आप आएंगे तो हर 1.5-2 घंटे में एक बार जाता है। तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट है और हम किनारों से दूर हो रहे हैं, तो कभी कभी रिलैक्स भी ऐसे बैठना चाहिए, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। और ये लेक बहुत ही बड़ी लेक है और बड़ी प्यारी है। तो देखिए यहाँ पे बोट क्लब भी है, तो ये प्रोफेशनल राइडर्स हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं बच्चे प्रोफेशनल जिसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये आपको झील में आपके इधर उधर मंडराते हुए नज़र आ जाएंगे, बट वेरी हैप्पी टू सी कि दीज आर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो हमारे इंडिया में भी बोट क्लब्स हैं, और चंडीगढ़ में काफ़ी पुराना बोट क्लब है ये, जो बिल्कुल सुखना लेक पर ही बना हुआ है। तो ये सिंगल वाले भी होते हैं और 3 वाले भी और 4 वाले भी, तो डिपेंड करता है। तो ये एक तरफ पूरा जंगल टाइप है, एक तरफ से तो वो पूरा डेवलप किया हुआ है, लेकिन बीच में जो है वो पूरा जंगल टाइप है और उसको वैसे ही रखा गया है। और हम स्पेशली मैंने ये लिए बिकॉज मैं आपको शाम और सनसेट, मतलब थोड़ा सा इवनिंग का और सनसेट का दोनों का आपको व्यू दिखा सकूं। तो अभी तो थोड़ा लाइट है, और ये देखो मैं सब भूल भाल के आराम से बैठा हूँ, और ये देखिए हम लोग हल्का सा इवनिंग की तरफ चले हैं, जो धुंधल का जिसको कहते हैं, शाम का, शाम और रात के बीच का जो थोड़ा टाइम होता है उस टाइम में। और ये देखिए पूरा जो आपको ये पूरी लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये सुखना लेक का कॉर्नर, जो कॉर्नर्स हैं उसको डेवलप किया हुआ है चंडीगढ़ टूरिज्म ने, और बहुत ही प्यारा इसको बनाया हुआ है। तो चंडीगढ़ आएँ तो सुखना लेक ज़रूर जाओ, और अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, थोड़ा सा इवनिंग में ज़रूर जाना चाहिए। और आप आवाज़ लहरों की सुन के समझ सकते हैं, और कभी कभी हमें भाग दौड़ से, ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कभी कभी ऐसे भी बैठना चाहिए जैसे आज मैं बैठा हूँ 1.5-2 घंटे के लिए, और ये बहती लहरों में जो शेप बन रही है इसको इतना एंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो कभी कभी आपको बिल्कुल सब कुछ भूल जाना चाहिए और अनएक्सपेक्टेड चीज़ को फील करना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, हमको हर काम फटाफट करना होता है। तो जब हम बोट्स में बैठते हैं, बैलगाड़ी में बैठते हैं, गांव में जब जाते हैं कभी, तो लगता है ज़िंदगी हम इतना तेज़ क्यों भाग रहे हैं। और देखिए कॉर्नर से लाइट इतनी प्यारी लग रही है, और आई एम श्योर के कॉर्नर से जब क्रूज़ को ये लोग देख रहे होंगे तो वो भी इवनिंग में इतना ही प्यारा लग रहा होगा। तो गाइज़ यहाँ आना तो ज़रूर 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 बनता है, और मैं गारंटी है कि जब भी मैं चंडीगढ़ आऊँगा, मेरी शाम अगर खाली है, मेरा कोई काम नहीं है, तो 99% मेरा क्रूज़ या बोट राइड ही मैं ये करूँगा। और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, रेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। और देखो सब लोग कितने शांति से बैठे हुए हैं, मतलब एवरीबडी इज़ एंजॉइंग हिज और हर जर्नी। और ये लेक छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लेक है ये, बहुत दूर तक फैली हुई, पूरा पूरा कॉर्नर्स में पूरा ट्रैक बना कर उसको ब्यूटीफुली एकदम फर्निश किया हुआ है कि आप वॉक करके भी जा सकते हो। तो बहुत ही प्यारा, और धीरे धीरे हमारी बोट कॉर्नर की तरफ जा रही है, बड़ा मज़ेदार है। जो लाइटें दूर है, देखिए पानी के अंदर जो मल्टी कलर लाइट्स आ रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, मिड साइज़ हो, यंग हो, तो सबको बहुत पसंद आने वाली है चीज़। तो मैं फैमिली के साथ, स्पेशल आप
प्लान भी बना सकते हो वीकेंड में एक रात के लिए चंडीगढ़ अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं। और ये है हमारी चंदा मामा जो अपनी लाली माँ बिखेरते हुए। तो गाइस मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, सही में मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस वक्त। और मुझे आज लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा अपना टाइम स्पेंड किया। और ये देखिए बोट्स खड़ी हैं जो डबल पैडल बोट्स भी हैं अगर आप पैडल करना चाहे, और मोटर बोट्स भी हैं। तो किनारे पे चाय पेप्सी को कुछ भी लेके बैठो। और ये कॉर्नर में हम आ चुके हैं, हमारी राइड पूरी है। तो धीरे धीरे हम जाएंगे बिकॉज नीचे जहाँ पे ये फ्लो उतरने का होता है वो हल्का सा डगमगाता है तो ऐसा लगता है हिलते हुए थोड़ा अजीब टाइप फील होता है, बट बहुत ही प्यारी जगह है। तो चलिए लेट द पीपल आउट ऑफ दिस एंड हम लोग बाहर निकलते हैं। बस मैं भी आ गया। और ये है देखिए कॉर्नर्स, तो शाम को ये मज़े रहते हैं। ये एक ब्यूटीफुली ये एक चीज़ डेवलप होती है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं तो आप डिनर कर सकते हैं बैठ के आराम से लेक साइड पे। और शाम को बहुत अच्छा रहता है। तो मैं सुबह भी आया था तो उतना सुबह ज़्यादा लोग नहीं होते, बट मॉर्निंग वॉक वाले लोग, मॉर्निंग वॉक और चिट चैट वाले लोग काफ़ी होते हैं। तो अभी तो शायद मैं आधा घंटा यहाँ पे अपने ऐसे पैर लटका के आराम से बैठ के जाऊँगा, कुछ सिप करने के लिए लूँगा और कुछ खाने के लिए। बट आई रियली रिकमेंड दिस फॉर यू गाइस। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर नए आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को ऐड कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं अगर पसंद आया है तो। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर गिविंग योर लव टू माई चैनल, थैंक यू सो मच। जय हिंद। मैं ये व्लॉग को बस यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। एन्जॉय योर डे, हैव अ ब्लेस्ड time and year ahead.